सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉग विद शुभम। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मैं सरोजनी हॉल के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या कपड़े लेके आया था वहाँ से और क्या क्या प्राइसिंग है इनकी। तो टुडे इज द डे, मैं और मेरी मम्मा है साथ में, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं, मेरी और मेरी मम्मा ने जितनी चीज़ें खरीदी हैं, हम वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं एंड उसका प्राइसिंग भी एक्सप्लेन कर देंगे, सो दैट कल को आप वहाँ पे जाते हो शॉपिंग के लिए तो यू हैव एन आइडिया कि वहाँ से कितने की चीज़ क्या है और आप लोग उसके अकॉर्डिंग कल को खरीद सकते हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है वीडियो का, तो लेट्स स्टार्ट। मम्मा आप स्टार्ट करो। सबसे पहले ये अंशु ने सूट पहना हुआ और इतना कंफर्टेबल सा है ये और सिर्फ 200 रुपीज़ में ये हमें मिल गया। ये अच्छा कपड़ा भी इसका अच्छा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये अंशु ने दिया आपने। तो अगर आप इसमें देखो ना, इसमें नीचे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, एंड ये किसी भी कुर्ते के ऊपर चल सकता है। इसका बेनिफिट ये है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग इसे किसी भी कुर्ते पे पहन सकते हो और ये सिर्फ 200 रुपीज़ का, तो ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। दूसरा क्या मम्मा? अंशु ने ये स्कर्ट लिए अपने लिए, इसका प्रिंट उसको बहुत अच्छा लगा, ये फ्लावर्स भी है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सिल्क में है इसका कपड़ा, इसके अंदर अस्तर भी लगा हुआ है बहुत, मतलब एकदम से सिर्फ 200 रुपीज़ की है लेकिन बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छी, इतनी सस्ती तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बाहर आप ले मार्केट में जाके उसमें तो बहुत महंगा महंगी मिलती है ये चीज़ें, तो हम गए तो हमें ये बेनिफिट रहा कि 200 रुपीज़ की मिली। इसके ऊपर कोई भी क्रॉप टॉप या कोई भी लॉन्ग कुर्ता भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, तो जैसे मन करे इसको वैसे कैरी कर सकते हैं। तो ये अंशु के लिए, उसने अपने लिए शॉपिंग करी है। यार इसके सबसे बड़े बेनिफिट है, आप अगर आप इसको देखोगे ना, इसमें एक तो डिजाइन बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है एंड ये सिर्फ 200 रुपीज की है, तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो ये एक सेकंड चीज ली थी हमने। थर्ड, तो ये हमने ये पीस फॉर्मल पैंट लिया है, ये जो है बहुत कंफर्टेबल सी है और आजकल चल भी बहुत रही है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है ये, अगर गर्ल्स यूज करती हैं किसी भी टॉप हो शर्ट हो जो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी हील पहन लो तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आज मैं अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डेली करता हूँ इसके बारे में क्योंकि मेरे को लड़कियों के कपड़े के बारे में ज्यादा पता नहीं है। स्टिल दिस इज अ फॉर्मल ट्राउजर, अगर आप देखोगे आप किसी भी फॉर्मल ओकेजन पे अगर आप चाहते हो तो आप इसको पहन सकते हो। एंड ये इसका प्राइसिंग क्या था? 200। ये भी सिर्फ 200 रुपए का था एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो 200 रुपीज में क्या ही मिलता है यार। स्टिल आप सरोजनी में जाके इसको भी ले सकते हो। नेक्स्ट वी हैव चप्पल्स, मेरी मम्मी ने कुछ चप्पल लिए अपने लिए, मैं आपको वो दिखा दूँ। जो भी चप्पल लिए हमने, ये वाली, ये 250 रुपीस की है और बहुत ही मतलब सूट पे पहन लो और कैसे भी कैरी कर सकते हो, जीन्स पे डाल लो, मेरे को बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने। तो यार अगर आप लोग इसको देखोगे ना, इसका जो वो है एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, सिंपल सोबर और बढ़िया लगती है एंड ये सिर्फ 250 रुपीज़ की। तो एक मम्मा ने ये लिए। नेक्स्ट तीन चार चप्पल लिए मेरी मम्मा। मेरे को थोड़ी ना कंफर्टेबल सी हील ना हो तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है ऐसी चप्पलों में, आप कैसे भी यूज कर लो तो ये बहुत अच्छी। तो सेकंड वाली अगर आपको दिखाऊं तो सेकंड वाली है, ये भी सिंपल है एंड ये भी 250 रुपीस की है सिर्फ। ये वाली चप्पलें मैं घर के लिए लेके आई हूँ डेली यूज के लिए, ये भी 200 रुपीस की है, ये भी बहुत कम्फर्टेबल है। एंड अगर आप इनका लुक देखोगे ना, ये बहुत सिंपल सोबर और कलर भी बहुत अच्छा है इसका, तो ये घर में पहनने के लिए पानी में यूज कर लो तो ये। एक चप्पल मैं ये ले आई, थोड़ा सा फैंसी सी है, कभी बाहर जाना हो कभी पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन के लिए चल जाती हैं ये चीज़ें, अच्छी लगती हैं तो कंफर्टेबल भी हैं और थोड़ा सा फैंसी भी है, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। तो आप देख सकते हैं दिस आर पार्टी वेयर चप्पल्स है ना, एंड ये सिर्फ 200 रुपए की है, सिर्फ 200 रुपीज़ की, ये बेनिफिट है इसका।
तो है सरोजनी में जाके फायदा तो है, ऐसा नहीं चीज़ें अच्छी मिलती हैं अच्छे प्राइस में, ये बेनिफिट था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय मदर साइड जो उन्होंने लिए मेरी बहन ने और मम्मी ने। अच्छा सॉरी सॉरी सर ज्वेलरी अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पास से, आप लोग ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कड़े हैं सिर्फ कितने रुपए? 200 रुपीज में 6 का सेट है, ये बहुत अच्छा है। चार कड़े में ये वाले लेके आई थी, ये भी कभी भी आप पार्टी फंक्शन में एक भी पहन सकते हो, कभी बैंगल्स के बीच में ऐसे सेट बना के इनको लगा सकते हो, तो जैसे मन करे वैसे इनको यूज कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो गोल्ड में थी, ये सिल्वर में, दोनों जैसा आपका साड़ी का जैसे वर्क होता है, जैसे सूट में जरी का वर्क होता है उस हिसाब से हम कैरी कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये भी बहुत सुंदर है ना, ये भी सिर्फ 200 रुपीस की थी। हाँ, ये भी 200 रुपीस की थी। बस मेरा इतना ही सामान। तो दैट्स इट, ये मेरी मामा और बहन ने लिया था मिलके। अब मैं अपना दिखाता हूँ, मैंने तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ ली है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं सरोजनी में जाकर कुछ लेके आया हूँ, वरना हर बार ऐसा होता था मेरी मामा मेरी बहन शॉपिंग कर रहे होते थे, मैं सिर्फ देख रहा होता था, क्योंकि लड़कों का सामान बहुत कम मिलता है। बट शॉकिंगली इस बार सच्ची में कपड़े मिले मेरे को, तो मैं अपने दिखाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टी शर्ट ली है, दिस इन लाइट पिंक कलर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ठीक है, ये मेरे को कलर अच्छा लगा, एंड ये मैंने अपने ट्राउजर के साथ मैच करा इसलिए कलर लिया मैंने, एंड दिस वॉज फॉर 200 रुपीज। सेकेंडली मैंने एक प्लेन वाइट टी शर्ट लिया, दिस इज अ मस्ट, आपको एक वाइट टी शर्ट जरूर रखनी चाहिए। तो ये ऑफ शोल्डर है एंड थोड़ी सी ढीली है, तो ये मैंने 300 रुपीज की ली है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है इसलिए थोड़ी सी महंगी है। तो दिस इज इट। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा जल्दी दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट इज अ मेरून टी शर्ट, सेम उसी पैटर्न में, ऑफ शोल्डर में, एंड मेरून कलर मेरे को अच्छा लगा, सिंपल मेरे को सिंपल टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो प्लेन होती हैं, तो मैंने इसलिए ये कलर लिया है, ये भी 300 रुपीज़ की। आजकल थोड़ा लूज चल भी रही है, थोड़ा सा अच्छी लगती है, वो फिटिंग वाला सा ना फैशन थोड़ा आउट ऑफ फैशन सा हो गया, तो थोड़ा सा लूज वाला थोड़ा सा आ रहा है, बिल्कुल चिपकी चिपकी सी नहीं अच्छी लगती है। और मैं थोड़ा पतला भी हो गया हूँ, इसलिए भी थोड़े ढीले कपड़े पहने, मेरे को शुभम अच्छा लगता है, थोड़ी सी लूज पहने तो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट जीन्स है, सारी जीन्स एंड ट्राउजर्स, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में दिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जीन्स लिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, दिस इज अ बूट कट जीन्स प्रॉपर, बहुत ही अच्छी है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पीछे से भी, इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी, एंड ये सिर्फ 200 रुपीज की है। जितनी भी जीन्स यहाँ पे हैं ये सिर्फ 200-300 रुपीज की हैं, जितनी भी है, मैंने 7 जीन्स ली हैं इसलिए, एंड ये मेरे को बहुत अच्छा कलर लगा, सिंपल एंड सोबर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दिस इज अ ट्राउजर बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये देखिए, बट इसका एक फायदा है नीचे से बैगी है, तो बैगी है तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका अगर आप टी शर्ट से पहनते हो, तो ये भी मैंने सिर्फ 200 रुपीज का लिया है। नेक्स्ट इज द ब्लैक जीन्स, ये भी थोड़ी सी बैगी है नीचे से, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये भी जीन्स थोड़ा ये कट भी है नीचे से, इसमें ये जो खुली हुई है ये मोनी जो होती है ना जो ओपन वाली है, ये भी अच्छी लगती है। इसका जो नीचे से आप पैटर्न देखोगे ना, ये थोड़ा सा ऐसे काटा हुआ वाला है, एंड इसके अंदर ये भी पैटर्न है जीन्स पे, तो ये जीन्स भी अच्छी लगी यार, तो मैंने ये भी ली थी सिर्फ 200 रुपीज की। नेक्स्ट दिस इज अ बैलून जीन्स, आई गेस इसको बैलून जीन्स बोलते हैं, अगर आप इसका भी कलर देखोगे, मेरे पास ऐसा ऐसा कलर नहीं था, तो मैंने ये भी ली थी, एंड दिस फॉर 200 रुपीज ओनली। और सबसे अच्छी चीज ना इन जीन्स में ये है कि इसमें अंदर ये नाड़ा दिया हुआ है, जैसे बेल्ट नहीं लगाना और लूज हो जाती है या वो है, तो अंदर से ही फिट हो जाती है, जिस चीज की दिक्कत मेरे साथ बहुत चल रही है, मेरे कपड़े सारे ढीले हो गए, तो व्हाट आई कैन डू इज ये हुक लगाने के बाद मैं इसको टाइट कर सकता हूँ अगर थोड़ा सा ढीला लग रहा है, ये बेनिफिट है इसके, एंड ये जीन्स बहुत अच्छी है, अगर आप देखोगे ना कलर बहुत अच्छा है इसका, मैक्सिमम ये चीज सारी जीन्स में है, ये वाला जो है ना अंदर वाला, ये इसकी सारी जीन्सों में आया है, ये शुभम के लिए थोड़ा बेनिफिट हो गया है, ये बेल्ट कम लगाता है थोड़ी सी। यस, एंड नेक्स्ट ये ब्लैक कार्गो लिया है मैंने, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सेम इसके अंदर ये नाड़ा है जो मम्मी बता रही बटन के साथ, एंड इसका मेरे को प्रिंट बहुत अच्छा लगा, सिंपल बेसिक,
एंड बहुत अच्छा है। तो एक मैंने ये भी दिया, दिस वॉज फॉर 300 रुपीज, ये 300 रुपीज का था। रुपीज़ की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है बाकी उससे। ब्लू कलर का ट्राउजर सेम ब्लैक जैसे गई है जैसे ब्लैक वाला था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्वालिटी हो गई आपका, इसका कपड़ा हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड ये नेवी ब्लू कलर में है तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था। एंड जो पिंक टी शर्ट में लेके आया हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैंने इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाने का सोचा है, ये बहुत अच्छा लगेगा, यही है। एंड दिस वॉज 300 रुपीज़, इस वक्त 300 रुपये की थी। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए दिखाई हैं ताकि कल को आप इसे कोई भी सरोजनी नगर जाना चाह रहा है तो आप लोग जाके यू हैव एन आइडिया कि क्या चीज़ कितने की मिलेगी। ओके, मैंने तो ये सारी चीज़ें दी हैं, आप लोग भी अगर कभी जा रहे हो सरोजनी नगर तो ये वाला ट्राउजर 300 रुपीज़ का था। 200-300 रुपये के ट्राउजर्स मिल जाते हैं, 200 रुपये की टी शर्ट्स मिल जाती हैं। शूज़ मैंने देखे नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को जैसे करना है आप लोग भी देख सकते हो। दैट्स इट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वन लिटिल थिंग यार, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आई फील मोटिवेटेड एज वेल। मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो मेरे वीडियो पे, या एटलीस्ट सजेशंस देते हो कि मैं क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड आई मेक श्योर मैं वो चीज़ इंप्रूव करूँ। जैसे मेरा हैना है, मेरा हैना नहीं निकलता ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने आप को समझाई है कि हैना नहीं बोलना ज़्यादा, तो अब मैं नहीं बोलता हूँ। तो आई मेक श्योर जो चीज़ आप लोग बता रहे हो एंड जो चीज़ वैलिड है वो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करते रहा करो, अच्छे कमेंट प्लीज़, है ना, रिस्पेक्ट पॉजिटिविटी इक्वली। एंड सेकेंडली प्लीज़ जितने भी लोगों ने अब तक सपोर्ट करा है एंड प्यार कर रहे हैं अब भी, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सभी को। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को।